हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बनाने 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम आयन बैटरी से, क्योंकि ना लिथियम आयन बैटरी से बनाने से ना लाइफ टाइम तक चलने वाली है। और गाइस आप सुन ले गए जो भी समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा अच्छी है हमारा नाश्ता करते हैं। गाइस 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए अपने को चाहिए लिथियम आयन बैटरी, कुछ जिस प्रकार से लिथियम आयन बैटरी 18650 कहते हो आप इसको। ओके गाइस, और ना ये गाइस आपको ना लैपटॉप की खराब बैटरी रहती है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी 6 पीस आती है, पर ना गाइस उसमें से खराब भी होती है। ओके, और आप न्यू भी परचेज कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आएगी न्यू। ओके, ये तो मैंने निकाली है कहाँ से भी। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से मेरे पास ये तीन लेने नहीं है आपको, क्योंकि इनसे ना एक में 4 वोल्ट है, इसमें 4 वोल्ट 4 वोल्ट 12 वोल्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, 4 को आप इंटू कर देंगे 3 से तो 12 वोल्ट बन जाएंगे। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार आपको चाहिए होगी तीन बैटरी। दो गाइस आपको इंडिकेटर क्लिप चाहिए होगी, जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे कुछ इस प्रकार मैं दिखाता हूँ, ये देखो। इसलिए चाहिए होगी क्योंकि गाइस ना हम वायर लगाएंगे इसके बाहर निकालने के लिए, बैक पैक बनाएंगे, इसलिए जो ना इसमें ना फिर ना वो वायर ना बार बार टूट जाता है, फिर ना उसका ना फिर से खोल के लगाना पड़ता है। इसलिए मैं इंडिकेटर क्लिप का यूज ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस ना इसमें क्या होता है कि ना इसमें वायर लग जाने के बाद में ना ये निकलती नहीं। ओके, और फिर ना कुछ इस प्रकार से अपन कहाँ पे भी लगा के इसको चला सकेंगे। ये मेरे वो दोनों पे है ना बहुत सस्ते में पड़े हैं, आप है ना जाके नहीं देखिए अनबॉक्सिंग वीडियो जाके देखना, वो आपको आप भी यहाँ से खरीद सकते हो। गाइस मैं ना ये वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में बता दूंगा। ओके गाइस, ये लिविंग लिंक दे दूंगा वीडियो की। और इसको चार्ज करने के लिए अपन ना ये लेंगे फीमेल सॉकेट 12 वोल्ट का। ओके, कुछ इस प्रकार से कोल वाला भी ले सकते हो आप। इसको क्या करेंगे, अब इसको चिपकाएंगे गाइस, ऐसे नहीं चिपकाएंगे क्योंकि गाइस ना इससे हीट होती है। ओके, इसे ना इस कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे, किसे बताऊं, जैसे कुछ इस प्रकार डबल साइड टेप आती है, आपको जानती होंगे डबल साइड टेप, कुछ इस प्रकार किया ऐसे किया और फिर इसके ऊपर ये यहाँ पे चिपका देंगे। जल्दी से मैं चिपका देता हूँ तीनों को। तो गाइस जैसे कुछ इस प्रकार चिपका दिया है मैंने, क्योंकि ना गाइस मैंने थोड़ा गैप रखा, क्योंकि ना गाइस वो लिथियम आयन बैटरी जब चार्ज होती है ना वो हीट होती है, वो पावर फिर से निकालती है इनपुट आउटपुट में तो भी वो हीट होती है। इसलिए ना मैंने कुछ इस प्रकार किया है जिससे ना ये तीनों ही एक साथ में गर्म नहीं होगी। ओके गाइस, अब इसको ज्यादा जल्दी से यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, जल्दी से टेप से कवर कर देते हैं इसको। तो गाइस अब मैंने कुछ इस प्रकार मैंने चिपका दिया है, अब इसे जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं जल्दी से। कनेक्शन कर लिए, इसका माइनस को मैंने प्लस पे जोड़ दिया, इसके माइनस को प्लस पे जोड़ दिया, यहाँ पे 12 वोल्ट बन के निकल जाएंगे। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार हो चुका है। अब क्या करते हैं, दो वायर एक्स्ट्रा में और लगाते हैं, कुछ इस प्रकार कॉपर के लगाऊंगा गाइस ना, ये कॉपर की है। ओके, इसमें मैंने किस वायर का यूज किया है। ओके, यहाँ पे दो वायर लगा देते जल्दी से, 3-4 वायर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ना एक तो अपने चार्ज करने के लिए और एक अपन को पावर रिवर्स लेने के लिए। मैंने कनेक्शन भी कर लिए इसके भी, जैसे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे रेड वायर लगा दिया है, यहाँ पे ब्लैक वायर भी लगा दिया है। कहीं से आपको कि दो वायर क्यों लगाए, एक तो ना अपनी चार्जिंग करने के लिए या फीमेल कनेक्टर लगाएंगे, एक एलईडी क्लिप का। और गाइस ना इसमें मैंने ना दोनों ही वायर को अलग अलग नहीं लगाया है, एक वायर लगाया था इस वजह से माइनस और प्लस, जिसके बीच में मैंने कट लगा के उसको एक वायर यहाँ पे लगा दिया। कुछ यहाँ पे ना कुछ इस प्रकार से हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कुछ इस प्रकार से ना मैंने यहाँ पे कट लगाई, यहाँ पे कट गया सोल्डरिंग। ओके, जिससे क्या होगा कि ना अपने ज्यादा वायर की नहीं रहेगी और इसमें ना पोर्टेबल लगेगा, जैसे कि ना इसमें वायर भी नहीं लगा रखे। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार हो चुका है। अब क्या करेंगे कि ना इसको ना टेप से कवर कर देते जल्दी से, इसको पूरी यहाँ पे ऊपर से नीचे सबसे कर देंगे कवर टेप से। जैसे गाइस कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे ढक दिया है इसको कुछ इस प्रकार टेप से, जैसे गाइस कुछ इस प्रकार यहाँ फ्लैट इसे लग रहा है, क्योंकि गाइस मैंने ना कार्डबोर्ड के टुकड़े कट करके यहाँ पे लगा दिया, इसलिए ना फ्लैट हो रहा है, क्योंकि ना अच्छे से लग सके। ओके गाइस, 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है, पर गाइस ना इसमें वो कमी है, इस पे अपने को इलीगेटर क्लिप लगानी है, इसके ऊपर लगा देंगे जल्दी से। हमें दो यहाँ पे इलीगेटर क्लिप लगा देंगे रेड एंड ब्लैक, और यहाँ पे ना जेक लगाएंगे, फिर पहले ना इलीगेटर क्लिप लगा लेते हैं जल्दी से। तो देख गाइस कुछ इस प्रकार में यहाँ पे इलीगेटर क्लिप तो लगा लिया, अब क्या करते हैं कि ना इसमें ना एक फीमेल कनेक्टर लगा देते हैं, यहाँ पे मैं इसके अंदर हीट सिंक लगाऊंगा, क्योंकि गाइस ना जिससे कनेक्शन अच्छे से रख सके, और इसके ऊपर टेप लगा देंगे फिर। ओके गाइस, जल्दी से यहाँ पे प्लस तो ये रहता है,
कुछ इस प्रकार ये प्लस है और ये माइनस है। जल्दी से प्लस माइनस देख के लगा देते हैं जल्दी से। गाइस इसमें आप डायोड लगाना चाहो तो डायोड लगा सकते हो, पर नहीं लगाओ तो भी चार्ज हो जाएगी सेफ तरीके से। ओके गाइस हम बाहर वो एडिक्टर से चार्ज करेंगे ओके। इसलिए गाइस जैसे कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे लगा लिया है फीमेल सॉकेट भी और यहाँ पे एलिगेटर क्लिप भी। अब गाइस इसने बन के रेडी हो चुका है अपना ये 12 वोल्ट का पैक। अब इसकी वोल्टेज ऐसे ही कितने वोल्टेज आ रहे हैं जैसे कुछ इसके मल्टीमीटर देखते हैं चला के इसको देखते ही वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इसमें एलिगेटर में क्लिप में लगाएंगे क्योंकि एलिगेटर क्लिप में भी लगा सकते हो आप, फीमेल सॉकेट में भी लगा सकते हो ओके। सो बाहर निकाल देंगे जिसे आसानी से अपन यहाँ पे कर सकेंगे ओके। कुछ इस प्रकार हो चुका है, अब देखते हैं इसमें कितने वोल्टेज है। तो ये जो है 8.5 वोल्ट चार्ज है ओके गाइस अपनी बैटरी, क्योंकि गाइस ना हमने इसको बहुत दिनों के लिथियम आयन बैटरी को चार्ज नहीं लगाया था इसलिए 8.5 वोल्ट आ रहे हैं। इसको चार्ज लगाएंगे तो फिर 12 वोल्ट भी निकालने लग जाएगी ओके गाइस। कुछ इस प्रकार से देख इंक्रीज होते जा रहे हैं वोल्टेज ओके, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अब क्या करते हैं ना इसे देखते कि चलती है फिर नई चीज ओके, फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा फिर नहीं ओके। चला के देख ले चलती है तो चलती है फिर नहीं चलेगी तो इसको चार्ज करके फिर भी दिखाऊंगा ओके। फिर इसको चलाते हैं जल्दी से। तो गए देखो कुछ इस प्रकार अपनी 12 वोल्ट की लाइट लगाएंगे इसको चला के देखने के लिए। कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगा देता हूँ इंडिकेटर क्लिप में। जैसे चलने लग गई है अब मैं स्टूडियो की लाइट बंद करके जाता हूँ। कुछ इस प्रकार चलने लग गई है गाइस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है वैसे ही ओके 8.5 वोल्ट से। कुछ इस प्रकार से हो चुकी है, अब क्या करते हैं ये रेड एंड ब्लू चला के देखते हैं ओके इसको हटा के। तो देखो इससे ये भी चल गई चुकी है ओके गाइस कुछ इस प्रकार से। देखो कोई ना फेक वीडियो नहीं है, मैं आपको ना कैमरा लाइट भी चला के दिखा देता हूँ फिर आप देखोगे दूसरे वायर आ रहे होंगे। देखो कुछ इस प्रकार से इसके सारे हैं, अब इसके फिर से वायर हट चुका है इसको फिर से लगा दूंगा ओके। कि एलिगेटर क्लिप है ना फिसलती बहुत है गाइस, आपको ना इसके ऊपर टेप लगानी पड़ेगी। फिर से चल चुकी है गाइस, देख कुछ इस प्रकार से अब स्क्रू लाइट चला देते हैं क्योंकि अब ना देख ली आपने कुछ इस प्रकार से। अब क्या करते हैं इसे एक मोटर चला देखते हैं 555 ओके। जल्दी से मैं 555 डीसी मोटर लाता हूँ इससे चलती है फिर नहीं। देख जो गाइस इस वाटर पंप में ना 555 डीसी मोटर लग रही है आपको दिखा देता हूँ। ये देख जो 555 और इसको हमने बनाया था होममेड तरीके से, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो। ये प्लस है, प्लस लगाते हैं कुछ इस पर एलिगेटर क्लिप का लगाने का ये फायदा है ओके। कुछ इस पर चला के दिखाते हूँ, कैसे ना इसको सही से लगाना पड़ेगा। कैसे इसलिए ना घूम रही है फिर से रुक रही है, 8 वोल्टेज चार्ज है ये फुल चार्ज करने पे अच्छे हो जाएगी ओके। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ज कैसे करते हैं ओके। इसमें आपको ना एक फीमेल 12 वोल्ट का चाहिए होगा जेक, इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगा देना है और ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है ओके। अब आप इसे ऐसे भी चला सकते हो कुछ इस प्रकार दिखाता हूँ मैं, इससे वोल्टेज है जैसे कुछ इस प्रकार से भी चला सकते हो आप इसको ओके गाइस। यहाँ पे वोल्टेज आएंगे और यहाँ पे आप कहता हूँ मैं फिर से आपको, इस प्रकार से चार्ज करना है ओके गाइस। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब बनता है गाइस आपके लिए इतनी मेहनत, लाइक बनता है चैनल को सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मुझे वीडियो।